नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली में बीते काफी लंबे वक्त से दिल्लीवासी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने अब ड्राइविंग टेस्ट को लेकर तमाम बड़े बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट लोगों के असफल होने की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में बदलाव करने को लेकर आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इन बदलावों के बाद काफी हद तक लोगों के लिए ड्राइविंग टेस्ट करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में हाल फिलहाल में ड्राइविंग टेस्ट के लिए 15 ट्रैक है, जबकि 13 ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक्स हैं। हर ट्रैक पर हर रोज 200 उम्मीदवार टेस्ट देते हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 40% लोग ऐसे हैं जो इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बता दें, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी के इस मामले में सुझाव देते हुए कमेटी के सुझाव के बाद ये बदलाव 8 अगस्त से प्रभावी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित नहीं होने वाली चीजों के चलते लोगों को ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के मामले बढ़ रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जैसे दोपहिया वाहन चालकों के लिए अंतिम सर्कल की चौड़ाई अन्य दो सर्कल की तुलना में छोटी थी, ऐसे में लोगों को बैलेंस बनाए रखने के लिए जमीन पर पैर रखने पड़ते थे और वो फेल हो जाते थे। बता दें, समाचार एजेंसी के मुताबिक लोगों के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के चलते पेंडेंसी भी बढ़ रही है। दरअसल एक बार फेल होने के बाद अब व्यक्ति को अगले हफ्ते में अगली डेट दी जाती थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के फेल होने से पेंडिंग केस भी बढ़ रहे थे। अब अंतिम सर्कल की चौड़ाई भी अन्य दो सर्कल के बराबर होगी, तो अब लोगों को पैर रखने की अनुमति दी गई है। बता दें कि मामले में महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती थी और अब नए नियमों के मुताबिक लोगों को पहले से ही बता दिया जाएगा कि टेस्ट देते वक्त उन्हें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। कई बार लोग सीट बेल्ट न लगाने पर भी फेल हो जाते थे। एक टेस्ट ट्रैक में 6 सेक्शन होते हैं। इनमें ड्राइवर को 8 फॉर्मेशन में ड्राइविंग, ओवरटेक करना, ट्रैफिक जंक्शन पर रुकना, रैंप पर रुकना और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना, 120 सेकेंड के एस फॉर्मेशन और 90 सेकेंड में पार्किंग शामिल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पहले और अब के नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। येलो लाइन पर टच, पुराने नियम फेल। नए नियम के मुताबिक अब फेल नहीं होंगे। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले फेल हो जाते थे, लेकिन अब पहले से जानकारी दी जाएगी। रिवर्स एस टेस्ट के लिए समय, पहले 180 सेकंड दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 200 सेकंड कर दिया गया है। पैरेलल पार्किंग के लिए पहले 120 सेकंड का समय दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 150 सेकंड कर दिया गया है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त जमीन पर पैर छूने पर पहले फेल कर दिया जाता था, लेकिन अब फेल नहीं किया जाएगा। इन नियमों के बदलाव से क्या अब दिल्लीवासी ड्राइविंग टेस्ट में पास हो पाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन आप इन बदलावों को कैसे देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।